यहाँ पे गैप ये है कि बजट है साल भर का यानी शॉर्ट टर्म का, और बातें सारी हो रही है लॉन्ग टर्म यानी फाइव ईयर प्लस उसके बाद क्या होगा। रही बात, ऐसा कोई मैकेनिज्म मुझे बहुत इफेक्टिव नहीं दिखता है जो कि इमीडिएट जो जॉब क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है वो कर दे। उसके पीछे रीजन है जो पहले के इन्होंने डिसीजन लिए। एके मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। एके मिश्रा जी, देखिए मैं आपको बताऊं मिश्रा जी, आप बीजेपी की जो पहले के बजट आए हैं इनके नेचर को समझिए और इनके पॉलिटिकल गोल और इकोनॉमिक गोल को समझिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये बजट बहुत अच्छा होगा अगर आप परिणामों की उम्मीद करें 5 साल 10 साल के बाद। आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी कभी देती नहीं है, और देती भी है तो केवल चुनाव के पहले, जैसे किसानों को 2000 रुपये वगैरह दे दिया। पहले भी मेरा प्रिडिक्शन ये था कि कोई बहुत खास जिससे कि एक सामान्य आदमी हमारे आपके जैसा खुश हो जाए, उस तरीके का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। अगर प्रोविजन रहेगा भी तो वो इतना घुमा के रहेगा कि पहले जो है आम आदमी दे, उसके बाद कई दिनों के बाद, काफी टाइम के बाद जो है उसको उसका रिटर्न मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें इस बजट में परिलक्षित होती है, और इसके लिए बीजेपी की मजबूरी है। देखिए बीजेपी का टारगेट क्या है, 5 ट्रिलियन की इनको इकोनॉमी बनानी है कमिंग 2-5 ईयर में। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम इन्होंने शुरू किया है, ये इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? तो इन सारे पैसों को लाने के लिए बहुत स्मार्ट गेम इन्होंने खेला हुआ है कि थोड़ा सा दो और जितना देते हो घुमा करके कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा उससे ले लो। इसका ज्वलंत उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। बजट पेश होने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य है, ये बजट देश में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा, किसानों को सशक्त करेगा, शिक्षा को बेहतरीन बनाने का काम करेगा। इसके अलावा बजट में गांव गरीब का कल्याण भी है, यानी पीएम मोदी का ये कहना है कि न्यू इंडिया के निर्माण के लिए ये बजट वाकई मददगार साबित होगा। बिल्कुल, वापस से गेस्ट की तरफ रुख करते हैं। एके मिश्रा जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। देखिए मैं ये बोल रहा था, कुल मिला के लब्बो लवाब ये है कि इस बजट से इन्होंने अपना पॉलिटिकल गोल यानी 2024 का इलेक्शन जो प्राइमरी पहले इन्होंने किया है, लॉन्ग टर्म जो इनके विजन है, मैं बोल ही रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने खुद बोल दिया अगले दशक के निर्माण की सोच रहे हैं। देखिए गैप क्या है, बजट ये है सालाना 1 साल के लिए, 1 साल में क्या होगा इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है, बहुत कम फायदे हो रहे हैं। हाँ, इसका फायदा 10 साल के बाद होगा। देखिए अब ये होगा कैसे, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है पैसे इकट्ठा करना। कैसे इकट्ठा करेंगे, 35-40-45 रुपए का पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, उसके ऊपर फिर पेट्रोल और डीजल पे बढ़ गए, आपकी सब्जी दूध छोटी मोटी चीजें चॉकलेट टॉफी जो जिसके बिना जिंदगी चलती नहीं है वो महंगा हो गया, कितना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा देखिए क्रिटिकल अप्रोच, पैसे इकट्ठे करने के लिए तरीके क्या है, जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट है यानी वो राष्ट्र की संपत्ति है उनको बेच दीजिए, उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए और उससे पैसे इकट्ठे करिए। और उसमें भी स्कीम क्या है कि पब्लिक सेक्टर की जो जमीन है उस पर सस्ते घर बनेंगे, इतने फ्लैट तो जो बचे हुए हैं वो बिक नहीं रहे हैं, नए सस्ते घर बनाएंगे। तीसरी चीज मैं आपको देखूं, बजट को लेकर के साल भर आदमी इंतजार करता है कि शायद उसको कुछ ऐसी मोहलत मिल जाए जिससे कि वो अपनी सेविंग बढ़ा सके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, वो ऐसा कुछ नहीं है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन लोगों को बेनिफिट दिया गया है जो पॉलिटिकल वोट बैंक इनके बहुत लार्जर, जैसे देखिए महिलाओं को उन्होंने 1 लाख रुपए दिया, मैं बोलता हूँ अच्छी चीज है, घर खरीदने पे इन्होंने दिया मिडिल क्लास को, ये सब इनके वोट बैंक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बड़ी होशियारी से मुझे लगता है पब्लिक को सुख देना, पब्लिक के हित की, 1 साल का बजट है तो 1 साल के भीतर आप पब्लिक को कौन सा सुख दे रहे हैं, कौन सी आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पे लगभग नदारत है। हाँ 10 साल के बाद मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इनका फोकस है ये होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, रेल वगैरह ये सब होने चाहिए, लेकिन ये प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट ला करके जो कि सबसे बड़ा मतलब रेलवे तंत्र माना जाता है, आपको क्या गवर्नमेंट के पास ये फैसिलिटी नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि वो उसको इंप्रूव कर सके, हर जगह आप प्राइवेटाइज। मैं बोलता हूँ BSNL वगैरह कोई चीजें हैं, आप सुधार की बात करते हैं, वहां सुधार का आप वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे बजट के थ्रू। एक और खास बात इन्होंने जो बड़ी अच्छी बोली है बजट में, 400-500 करोड़ तक के जो हैं, जो उद्यमी हैं, जो इंडस्ट्रीज, उनको जो इन्होंने रियायत दी है ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। उसके पीछे रीजन है, जो बड़े घराने हैं वो तो कुछ कम है, लेकिन ऐसे देखिए 100 करोड़ से लेकर 500 400 करोड़ तक के बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, और मेजर अगर आप चंक देखेंगे जो रोजगार का आता है, सैलरी कम हो या ज्यादा हो इन्हीं लोगों के यहां से मिलता है, तो उनके तरफ लिबरल होना ये एक सराहनीय कदम है। ऐसे इंडस्ट्रीज, और ये सारे भारतीय हैं, मैं ये बोलूंगा कि अगर 400-500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को इन्होंने सपोर्ट किया है तो भारतीयता को, स्वदेशीपन को जो अपना एक फीलिंग है उसको सपोर्ट किया है, मैं इसकी सराहना करूंगा।
दूसरी चीज, एक बड़ी खास चीज मैं आपको बोलूंगा जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉलिटिशियंस कोई भी हो, चाहे बजट हो चाहे कुछ भी हो, पहले अपना राजनीतिक हित रखते हैं। और इसको सिद्ध किया जा सकता है, बजट है एक साल का और बातें हो रही है कि इस बजट से 10 साल के बाद क्या होगा, वो होना चाहिए। साल भर में क्या होगा ये बताइए ना, साल भर में तो वही चीजें होती है, टैक्सेशन में कुछ रिबेट मिल गया, चीजें सस्ती, जीएसटी को इन्होंने किया नहीं। देखिए जीएसटी का कलेक्शन भी घटता जा रहा है, वो भी एक प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं इनके ऊपर। फाइनल इनके जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो अच्छी चीजें हैं, एम्बिशियस होना, लेकिन अब उसको कहां करेंगे। ये आगे के भी आप बजट देखिएगा, अगर इलेक्शन नहीं होगा तो बजट यही होगा कि एक आम आदमी के लिए वो भार ज्यादा होगा और सुविधा कम होगी। लेकिन मिश्रा जी ये तो अभी तक का हमारा कल्चर ही रहा है ना, हम किसी भी सरकार का बजट उठाकर देखते हैं, इनफैक्ट हम अपने घर की ही जब बात करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए पहले से प्लान्स लेकर रखते हैं, तो ये जो हमारा एक कल्चर चलता आ रहा है, या तो हमें उस कल्चर से ही बाहर निकलना होगा ना इसके लिए। वर्तमान टेंडेंसी सरकार होने का मतलब, और स्पेशली एक इतनी मजबूत सरकार जो खुद बोलती है कि हम बहुत दक्ष है। बजट तीन तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म का मतलब साल डेढ़ साल दो साल का, आप कर साल भर का मान लीजिए। एक होता है मिड टर्म का कि दो तीन साल में आप क्या, एक लॉन्ग टर्म होता है 5 ईयर प्लस। यहाँ पे गैप ये है कि बजट है साल भर का यानी शॉर्ट टर्म का, और बातें सारी हो रही है लॉन्ग टर्म यानी 5 ईयर प्लस उसके बाद क्या होगा। यहाँ पे गैप ये है कि बजट है साल भर का यानी शॉर्ट टर्म का, और बातें सारी हो रही है लॉन्ग टर्म यानी 5 ईयर प्लस उसके बाद क्या होगा। हाईवे बन जाएंगे 2024 तक, इनका है भारतमाला वगैरह ये सब बन जाएगा। अनडाउटली सबसे ज्यादा जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक चीज और बोला निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने ये बोला कि भाई अब किसानों को अलग से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बजट की जरूरत नहीं। मैं आपको बोलता हूं सबसे चरमराई हुई व्यवस्था जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसपे सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है वो है कृषि। लोग किसानों की बात करते हैं लेकिन किसानी की बात यानी एज ए इंडस्ट्री की तरह नहीं करते हैं भाई। उसके उसको आप क्यों से उसको आप सेपरेट ट्रीटमेंट दीजिए दीजिए ना वहां की, वो समझ देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो वो होगा डेवलप, लेकिन इंस्टेंट क्या है। ठीक है, अभी तक आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ कुछ कह रहे थे बताइए सर। देखिए मैं आपको बताऊं, मैम सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम चल रही थी इलेक्शन के पहले और जिसके कारण देश में त्राईमाम मचा हुआ था, त्राई त्राई कर रहे थे जॉब का, जिसपे इन्होंने डाटा भी नहीं दिया, इस पूरे बजट में कोई बहुत उस पर फोकस भी नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं बोलना ये चाहता हूँ ना, देखिए यहाँ पे है क्या, इसके पहले भी 5 साल जो हुआ था, बजट है एक साल का, मोदी जी का हमेशा फोकस रहता है 10 साल 15 साल, वो एक बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म का इनका बजट जो है वो गोल इनके लॉन्ग टर्म के लिए है, बेनिफिट मिलेंगे 10 साल 12 साल के बाद। रही बात, ऐसा कोई मैकेनिज्म मुझे बहुत इफेक्टिव नहीं दिखता है जो कि इमीडिएट जो जॉब क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है वो कर दे। उसके पीछे रीजन है जो पहले के इन्होंने डिसीजन लिए और जिस कंडीशन में हमारी इकोनॉमी आ गई है। जॉब क्रिएशन एक साइकिल है, बड़ा टिप देखिए, अगर आपको 100 लोगों की जॉब देनी है पहले एक फैक्ट्री लगाइए, 6 महीने में फैक्ट्री लगेगी, फिर रिक्रूटमेंट होगा, फिर माल बनना शुरू होगा, तो 1 साल का टाइम लग जाता है एक नए फैक्ट्री को लगाने और एक्टिवेट करने में। यही रीजन है कि इन सब कारणों के मतलब कितना हाई अनएम्प्लॉयमेंट चला गया, और मेजर जो है सोर्स ऑफ इनकम हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का रहा है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का रहा है। मेट्रो में तो सारे लोग बिना एम्प्लॉयमेंट के तो कोई रह नहीं पाएगा। इसीलिए मैं इस बजट को बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है, इंस्टेंट के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कमिंग 2-4 साल के लिए। आपके मुताबिक क्या किया जाना चाहिए था ऐसा कि तुरंत अचानक से रोजगारों की बहार से आ जाती। मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टेंट के लिए ऐसी चीजें करनी चाहिए थी कि जहां पर रोजगार क्रिएट होते हैं उनको लिवरेज आप ज्यादा दीजिए, और अप्रत्याशित तरीके से आप उनको जो है वो दीजिए। जैसे कि आपके एमएसएमई हो गए 400-500 हजार करोड़ के कॉर्पोरेट को हो गए। आप एक चीज देखिए, मोदी जी ये बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप 2 चीजों में डिवाइड कर दीजिए, एक बहुत हैवी टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री होती है जिसका पब्लिक से डायरेक्ट टच नहीं होता है। आप याद करिए जब यहाँ पे एफडीआई आना शुरू हुआ तो वोडाफोन वगैरह आई थी, उसके कारण इमीडिएट जॉब मिलनी शुरू हुई, लोगों के शॉप पे उनकी इनकम शुरू हो गई, उनके शोरूम बने, शोरूम में भी लोगों को जॉब मिलना शुरू हो गया। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है कि एफडीआई रिकॉर्ड आया है, मैं मानता हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ कि रिकॉर्ड एफडीआई आया है, लेकिन उस एफडीआई का बेनिफिट एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। बीच में वो कहां स्टॉप हो गया है, या तो गवर्नमेंट ने पैसा रख करके होल्ड करके रखा हुआ है। यही बात जो अभी हमारे बगल वाले मित्र बोल रहे थे
कि फंड का एलोकेशन और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऐसा ना हो कि फंड तो पड़ा है और साल भर बीत गया उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर वो कैरी ऑन हो गया या फिर वो गवर्नमेंट को वापस मिल गया, वो डिपार्टमेंट नहीं कर पाया, फिर कहीं दूसरी जगह हो गया। तो देखिए नो डाउट गवर्नमेंट के पास फंड बहुत है क्योंकि इन्होंने हर चीज से बहुत कलेक्ट किया हुआ है पैसा। और ऐसी भी खबरें हैं, आप उठा के देखिएगा कि कई डिपार्टमेंट को फंड दिए गए, प्रॉपर वे में वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाया, गवर्नमेंट उसको खर्च नहीं कर पाई। तो ऐसा पैसा अगर बैंक में रखा है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए खर्च करना चाहिए था, नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि आगे का एनवायरनमेंट उस फंड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से अभी आपने बात करी कि जॉब क्रिएशन की बात करी, और जिस तरह ऐसे तो देखा जाता है गवर्नमेंट सेगमेंट में, आप देख लीजिए 7 लाख गवर्नमेंट जॉब्स अभी वैकेंट पड़ी है। सर क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सेकंड, तो उसमें दूसरी बात आप देखिए कि जिस तरह से इनिशिएटिव इन्होंने, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि आप देखें $1 ऐसे तो $1 एक रुपए का हुआ करता है। इन्होंने तो बोला था हम 2 करोड़ जॉब या कितने करोड़ जॉब हर साल क्रिएट करेंगे, तो बोल क्यों देते हैं? $1 एक रुपए का हुआ करता था आजादी के टाइम, आजादी के समय $1 1 रुपए होता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था इसको। तो ये सरकारें तो बड़ी आई गई, सरकारें बड़ी आई गई। आप ये कहें कि जादू की छड़ी है, प्रेजेंट करते हैं ना कि जादू की छड़ी है, ये हो जाएगा, वो सब लोग जुमले देते हैं, वो सब जुमले देते हैं, 15 साल के बाद होगा। वो यही आप बोलना चाहते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर नीड्स की बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया है और ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। और इसमें मोदी जी, पिछली बार जब से मोदी सरकार आई है तब से आप देखिए लगभग हर स्टेट के अंदर, जहां जहां मोदी सरकार के बाद में यूपी सरकार की बात, बीजेपी की बात, ये खुद कंट्री के सबसे बड़े एंबेसडर हैं। तो अगर हम फॉरेन एमओयू कितने का साइन हुए और अभी तक पैसा कितना है, उठा के देख लीजिए, इतना पैसा ₹7,500 करोड़ आया है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं, क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस है नहीं सिस्टम, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, एमओयू सिर्फ दिखाने के लिए साइन हो जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों खेल है, इससे पहले भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट आती रही, पाइपलाइन में पड़ी हुई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू नहीं करेंगे तब तक ये रोड ब्लॉक्स चलते रहेंगे और आप जितनी घोषणाएं देते हैं ये क्या 20 सालों बाद लागू होगा, क्या दिक्कत क्या आ रही है सर? गौरव मित्तल जी, सिस्टम की बात है, सिंगल विंडो सिस्टम की बात, यूपी कैसे कैसे लागू होगा, क्या दिक्कतें आ रही है? 5 साल रही है सरकार और बीजेपी सरकार तो कहती रही है कि हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करती रही है, लागू क्यों नहीं हुआ और दिक्कत क्या आ रही है? इंसान यदि एजुकेशन कमिश्नर से कुछ पूछते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन कैसे देनी है, तो वो हमें जाके आईटी डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट की है, जीएसटी स्टीयरिंग बोल रहे हैं, स्टार्टिंग शुरुआती वाली। अच्छा नहीं नहीं मैं सर कितने दिन हो गए जीएसटी, मैं बोलता हूँ जिस जीएसटी को लॉन्च करने में और नोटबंदी में, मुझे याद है अरुण जेटली जी ने बोला था कि बैंक से पैसे नहीं निकल रहे, उसका खांचा साइज नहीं है, इतना माइक्रो लेवल, बोले 1 हफ्ते में हो जाएगा, वो 3 महीने में भी नहीं हुआ। जीएसटी में हर दिन हर दूसरे दिन चेंज हो रहा है, ये ऐसे नहीं, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आप कर रहे हैं और पब्लिक को दोष मत दीजिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नया सिस्टम आएगा तो ये प्रीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई कोई भी एप्लीकेशन बनता है टेक्नोलॉजी साइड पे उसमें ये प्रॉब्लम सबसे पहले आता है, उसको 6 महीने में इंडस्ट्री हो जाती है, ये 7 साल नहीं लगते हैं, लेवल का एप्लीकेशन होता है उसके लिए एप्लीकेशन, अगर कोई ज्वलन मुद्दा चाहिए टाइम, लेकिन अगर कोई ज्वलन मुद्दा वो ये है कि जिस